दोस्तों दोस्तों आप सभी का न्यू वर्ल्ड टेक चैनल में स्वागत है। दोस्तों एक और लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के साथ हाजिर है और आज हम बात करने वाले हैं जियो की। जी हाँ दोस्तों, रिलायंस जियो में निकली हुई 3000 पदों पर भर्तियां, जिसके लिए मिनिमम अगर आप 10वीं 12वीं टेक्निकल नॉन टेक्निकल हैं तो आप इन सभी वैकेंसियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर सैलरी की तो आप पूछिए मत, सैलरी यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छी सैलरी है। और दोस्तों इसके लिए आपको मैं पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, किस साइट पर करना है। वो लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर भी दे दूंगा, वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ, तो बने रहें पूरे वीडियो में। और दोस्तों आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे चैनल पर विजिट करते रहे, यहाँ पर हम देते हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर निकली हुई भर्ती की खबर सबसे पहले। और दोस्तों यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब की सबसे पहले आपको अपडेट दी जाती है, लेकिन आज कई कैंडिडेट्स ने बोला कि सर आप हमें प्राइवेट जॉब जो अच्छी जॉब होती है उनके बारे में भी हमें आप खबर दें। तो दोस्तों मैं आप सभी के लिए आज एक और जॉब लेकर आया हूं जो कि रिलायंस जियो के अंदर बम्पर भर्ती निकली हुई है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक और बार रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो के नीचे इस लाल बटन को दबा करके आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बेल आइकन दबाएं, जिससे हम जो भी नया वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा अगर आप घंटी का बेल आइकन भी दबाते हैं। और दोस्तों आप प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इस भर्ती की खबर दोस्तों में आप व्हाट्सएप पे फेसबुक ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, बात करते हैं इस नई रिक्रूटमेंट। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आज का माइंड क्विज क्वेश्चन है कि सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों जैसा कि आप कंप्यूटर जानते ही हैं, कंप्यूटर में एक सीपीयू होता है, तो सीपीयू को क्या कहते हैं। इन चारों में से एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। ऑप्शन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों फटाफट से इसका सही जवाब वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स पर टाइप कर दीजिए और बन जाइए आज के स्मार्ट व्यक्ति। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों हिंदुस्तान लाइव न्यूज चैनल में ये न्यूज प्रकाशित हुई है 6 अप्रैल को, जिसमें आप देख सकते हैं बम्पर भर्ती जियो में 3000 पदों पर है जॉब्स, जानिए कैसे करें आवेदन। ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। जैसे कि लिखा हुआ है कि टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो में कई पदों पर नौकरियां निकली है। जियो ने इन ओपनिंग के बारे में अपनी आधिकारिक वेबसाइट jio.com पर जानकारी भी दी है। वेबसाइट के अनुसार जियो में तकरीबन 3000 पदों पर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा 1000 से अधिक IT और टेक जगत के लोग जियो से जुड़कर नौकरी कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर रिपोर्ट के अनुसार जियो की आधिकारिक वेबसाइट पर इन नौकरियों के बारे में विस्तृत तरीके से बताया गया है। इंजीनियर्स के लिए तकरीबन 922 पद पर नौकरियां हैं। इसके अलावा सेल्स मार्केटिंग में भी आवेदन कर सकते हैं। वहीं वर्तमान समय में जियो में 112 नौकरियां IT डिपार्टमेंट्स में हैं। तो दोस्तों यहाँ पर और भी खबर है कि जियो में IT के में निकली नौकरियों के लिए कंपनी आवेदकों से सॉफ्टवेयर क्षेत्र में पढ़ाई मांगी है। अगली स्लाइड में पढ़े। स्लाइड में और भी खबर है कि लोगों को जियो में खाली 3000 पदों पर नौकरियां अधिक लग सकती है, लेकिन कंपनी के लिए ये कोई बड़ी नंबर नहीं है। मालूम हो कि जियो की शुरुआत होने से पहले भी पूरे भारत में जियो में हजारों लोगों ने नौकरी के लिए चुना था। जी हाँ दोस्तों, जियो में नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले आवेदकों को ये लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पर जाना होगा, वहां पर रजिस्ट्रेशन करने को कहा जाएगा, इसके बाद इन पदों पर आवेदन किया जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं हम सीधा, आपको बताते हैं कि इस लिंक पर जाने के बाद में आपको क्या इंटरफेस ओपन होता है। यहां पर आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। यहां पर आपके सामने लॉगिन का और यूजर न्यू यूजर का ऑप्शन आएगा। तो आपको सबसे पहले नया रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको न्यू यूजर पर क्लिक करना होगा। जैसे यहां पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो यहां पर आपको ईमेल आईडी डालना है, आपका पासवर्ड डालना है और कंफर्म पासवर्ड डालना है, और आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालना है। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे आपकी सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपकी कंट्री सेलेक्ट करके आपका मोबाइल नंबर डाल दीजिए, उसके बाद में आप इसे कंफर्म कर दीजिए। तो यहाँ से आपका लॉगिन आईडी क्रिएट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको एक लॉगिन आईडी मिल जाएगा। उसको लेने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका लॉगिन आईडी और यहाँ पर पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन करना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में आपको जो भी वैकेंसी है, जो भी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग वैकेंसी, उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं पर्टिकुलर वैकेंसीज के लिए। तो दोस्तों ये थी सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन जो कि जियो के अंदर सबसे बम्पर भर्ती निकली हुई है। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो फटाफट से इसे पहले तो लाइक कर दीजिए और इस भर्ती की खबर दोस्तों पे आप व्हाट्सएप पे फेसबुक ग्रुप पे शेयर कर दीजिए। और दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो मैं आज ही आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आज ही हमारे चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि हम दे रहे हैं आपको जो भी भर्तियां निकलती है उसकी अपडेट। और यहां पर वीडियो को लाइक करके और वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो के नीचे लाल बटन को दबा करके, और पास के घंटी के बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों, जिससे हम जो भी नया वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगी जब आप इस घंटी के बेल आइकन को दबाते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।